सीहोर जिले के जावर थाने से 6 आरोपियों के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। आरोपियों के भागने से साफ हो गया है कि अब यदि किसी मामले के आरोपी पकड़े भी जावे तो उन्हें खुद पुलिस भी अपने ही थाने में संभाल कर नहीं रख पा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि बीती रात लगभग 2 से 5 बजे के बीच 6 आरोपी जावर थाने से भाग गए। सोशल मीडिया पर सभी फरार आरोपियों के चित्र वायरल कर दिए गए हैं। जिसे भी दिखे वो पुलिस को सूचना दे। चंदेल के अनुसार फरार आरोपियों में कालू पिता पार सिंह, चितर सिंह पिता हरी सिंह, पंकज पिता कुंवर, बबलू पिता शैतान, मोहब्बत पिता इंदर सिंह और कलम पिता जितरू है। सभी आरोपी भील जाति के हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि सभी आरोपी जावर थाने के हवालात से गेट को तिरछा कर फरार हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यह आरोपी जावर की 2 दुकानों में हुई चोरी के अपराध में बंद थे। यह सोनकच देवास के रहने वाले हैं। जावर थाने में अभी 2 चोरियों के मामले में 6 आरोपी थे, उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उन्हें पुलिस रिमांड के अंतर्गत हवालात में रखा गया था। हवालात में जो दरवाजा है उसे तिरछा करके रात में करीब 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ये 6 आरोपी यहाँ से निकल गए। जो मेन गेट में ताला था उसे भी तोड़ा गया और इसकी रात से ही सर्चिंग, जैसे ही जानकारी मिल पाई 5 बजे के आसपास, तब से ही सर्चिंग लगा रहे हैं और ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। सोनकच, आष्टा, सिद्दीकगंज जो आसपास के सीमावर्ती थाने हैं उनको भी सूचना दे दी गई है और पार्टियां लगा दी गई। हम शीघ्र ही सीहोर से जावेद जाफरी की रिपोर्ट।